हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ उदयपुर के सबसे खूबसूरत और सबसे ऐतिहासिक जगह पर, जिसका नाम है सिटी पैलेस। तो देख सकते हैं, मैं टिकट लेकर के आया हूँ और अब अंदर चलने की बारी है। दोस्तों, जब तक हम अंदर चलते हैं, तब तक हम आपको बता देते हैं कुछ इस पैलेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस पैलेस के निर्माण की नींव महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने रखी थी। उसके बाद में जो उनके उत्तराधिकारी आए, उन्होंने 400 वर्षों तक इस पैलेस का निर्माण कराया। तब ये इस महल को बनवाने में पूरे 400 वर्ष का समय लगा था। दोस्तों, ये जो पैलेस है, ये राजस्थान का सबसे खूबसूरत पैलेस माना जाता है। दोस्तों, ये जो पैलेस है, ये पूरा उदयपुर सिटी, ये पिछोला लेक के किनारे पर स्थित है और इसके चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों, ये जो गोल चक्कर आप देख रहे हैं, इसके बगल से ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता जाता है पिछोला झील में बोटिंग के लिए। तो आप कभी भी यहाँ पर बोटिंग का मज़ा लीजिए, काफ़ी अच्छा शानदार अनुभव है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है, वो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ बोटिंग का। जो अगर आप 3 बजे से पहले बोटिंग करते हैं तो उसका चार्ज है 400 रुपये। अगर आप 3 बजे के बाद में अगर बोटिंग करते हैं तो उसका चार्ज बढ़ जाता है 800 रुपये। तो ये देख सकते हैं, ये है पिछोला झील, इसी के किनारे पर बना हुआ है ये सिटी पैलेस। तो अभी हम रास्ते पर हैं, अभी अंदर चलेंगे। दोस्तों, बता देते हैं, इस पैलेस से पहुँचने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा पोल्स मेन क्या है, मेन दरवाजे होते हैं, दरवाजों को ही यहाँ पर पोल कहा जाता है। तो देखिए, अब हम लोग ये अंदर आ चुके हैं और आप लोग ये बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। ये बाहर का नज़ारा है सिटी पैलेस के। अब हम यहाँ से चलेंगे अंदर, जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ से हम अंदर चलेंगे। दोस्तों, अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पर जो इनकी वंशावली है, वंशावली देखने को मिलेगी सबसे पहले, यानी कि किस महाराणा के टाइम पे ये बनना शुरू हुआ था, फिर उसके बाद में कौन सा महाराणा है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए, ये वंशावली है। वंशावली के बाद दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पर टिकट की चेकिंग होती है, और इसके अलावा बता देते हैं, ये यही वो जगह है जहाँ से इस पैलेस की नींव महाराणा उदय सिंह जी ने रखी थी। तो ये देख सकते हैं, ये तो जो गणेश जी की मूर्ति है, उसी टाइम की रखी हुई है जो महाराणा उदय सिंह जी ने रखी थी। ये वही मूर्ति है गणेश भगवान की। इसके पैर छू करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह और कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तो ये यहाँ पर आपको बता देते हैं, गाइड भी मिल जाते हैं, गाइड 250 से 300 रुपये लेते हैं आपको। तो अच्छे से वो आपको एक्सप्लोर करा देते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप जी का वो कवच है जो पहनकर वो युद्ध लड़ा करते थे, और उनकी खुद की ये तलवारें और ढाल रखी हैं। और इसके बगल में जो है महाराणा प्रताप के वो सारे अस्त्र शस्त्र रखे हैं जिनसे वो युद्ध किया करते थे। ये पूरा वही है जो महाराणा प्रताप जी युद्ध में लेकर के युद्ध करने जाते थे। और ये उनके जो चित्र है, ये भीलों से वार्तालाप कर रहे हैं युद्ध पर जाने से पहले। और ये जो चित्र है दोस्तों, ये हल्दी घाटी के मैदान का चित्र है। ये उस टाइम में पेंटिंग की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे कैमरा होते नहीं थे, तो हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है ये। और ये वो है जब महाराणा प्रताप जी ने उस घोड़े सहित काट डाला था। तो इसके आगे चलने पर हमें एक स्थान दिखाई देता है, ये उन गुरुजी का स्थान है जिसकी प्रेरणा से महाराणा उदय सिंह जी ने यहाँ पर इस पैलेस का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये है, देखिए इस खिड़की से पिछोला झील का व्यू। अब दोस्तों, आपको हम आगे ले चलते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है, ये कोई नहाने का बाथ टब नहीं है। दोस्तों, ये वो जगह है जब कोई नया महाराणा बनता था तो इस पर 1,00,000 सिक्के डाले जाते थे। और ये जो जगह दिखाई दे रही है आप, यहाँ पर जो महाराजा होते थे वो बैठते थे, और इसके सामने महारानियाँ बैठती थी इस जगह पर। दोस्तों, इसके आगे अब हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिस पर आपको आंखों से जल्दी से यकीन नहीं होगा। ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग 4थी मंजिल पर हैं। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी ये बगीचा 4थी मंजिल पर कैसे बन गया। तो बता देते हैं आपको, जहाँ पर ये बगीचा है दोस्तों, इसके नीचे 90 फीट की एक चट्टान है। दोस्तों, उस चट्टान को हटाया नहीं गया और उसी के ऊपर ये बगीचा बना दिया गया है। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये एक प्रकार से
स्विमिंग पूल है, यहाँ पर राजा महाराणा वगैरह नहाया करते थे। दोस्तों अब हम आपको कहानी बता रहे हैं महाराणा फतेह सिंह जी की। दोस्तों ये बात है 12 दिसंबर सन 1911 की, जब ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम ने भारत देश के सभी राजाओं को दिल्ली में बुलाया था। तो लेकिन उस दिन महाराणा फतेह सिंह जी वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जब अगर वो जो वहाँ पर जाते हैं तो वो उनको नीचे बैठना होगा और वो राजा ऊपर बैठे गए, जो कि उनके शान के खिलाफ था। दोस्तों इस बात को जॉर्ज पंचम समझ जाता है और इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर इनके लिए 2 घोड़े भेजता है। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको त्रिपोलिया बोलते हैं, और इसी जगह पर हाथियों की लड़ाई हुआ करती थी, ये इस जगह पर। तो दोस्तों ये जो हाथियों की अंतिम लड़ाई थी वो 1911 में हुई थी, उसके बाद फिर हाथियों की लड़ाई नहीं हुई। दोस्तों इसके थोड़ा आगे चलने पर देखते हैं कि ये जो सिटी पैलेस है इसकी पूरी पिक्चर लगाई हुई है। वैसे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पूरा सिटी पैलेस है ये एक पानी में तैरते हुए जहाज की तरह दिखाई दे रहा है आपको। दोस्तों इसके आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ये बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।